पांच हमारी ज्ञान इंद्रियां होती है, पांच हमारी कर्म इंद्रियां होती है, पांच हमारे प्राण रहते हैं और पांच हमारे जो नेचर में तत्व एलिमेंट्स हैं वो रहते हैं, जिनको पंचभूत बोलते हैं, और एक हमारा मस्तिष्क, इसको मिला के 21 का नंबर बनता है। और चार बोल से अगर आप 21 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 84 नंबर आता है। दर्शाया यह गया है कि भगवान राम के अगर आप छत्रछाया में रहेंगे, धर्म के अगर आप मार्ग में रहेंगे, तो 84,000 योनियों को अच्छी जगह मिलेगी और उनके जीवन संपन्न होंगे। केवल मनुष्य ही नहीं, हर जीव जंतु को। यह हमने कलश बनाया है जिसके अंदर जल रखा जाएगा। अब अगर आप कलश को गौर से देखेंगे तो इसके नीचे की ओर चार घोड़े हैं, जो कहते हैं भगवान राम के चार रथ में चार घोड़े हुआ करते थे। ये चार मेनली चीजें जो दर्शाते हैं वो है कर्म, धर्म, अर्थ और मोक्ष। ऐसा कहा जाता है कि अगर इन चार चीजों को सबसे परम रख के धर्म के रास्ते पे चले तो जीवन सफल होता है। आप इसमें यहाँ पे 9 कॉइन्स चारों ओर देखेंगे। इसमें जैसे मैं यहाँ से शुरू करूँ तो यहाँ पे अपना स्वास्तिक है, माइक नीचे कर ले, यहाँ स्वास्तिक है, यहाँ ध्वज है, यहाँ स्वास्तिक है, यहाँ ध्वज है, ये राम तिलक है, ये ओम है, ये शंख है, ये कलश है, ये सूर्य भगवान खुद है, ये पंखी है और ये बाढ़ है, जिसको अपन लोग कोदंड के नाम से पहचानते हैं, जो राम जी का धनुष है, और ये कमल की रूप में इसका टॉप बनाया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भगवान हनुमान जी को हमने हर बार एक हाथ में गदा लिए, एक हाथ में पहाड़ लिए देखा है, लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे, मैं अगर आपके लिए एक बार फिर से उठा दूं, तो आप हनुमान जी को देखेंगे कि इनका गदा इनने साइड में रखा है और जो इनकी पूछ है, जो पार्वती माता का स्वरूप कहते हैं, जब वो लंका में उनके आशीर्वाद से इनने लंका में आग लगाई थी, उसको उनने समेट के आगे की तरफ रखी हुई है और गर्दन झुका करके, हालांकि इनका शरीर बहुत ही मस्कुलर है, लेकिन शक्ल पे आप देखेंगे कि तो आपको बहुत ही एक काम और एक मतलब एक प्रेम भाव नजर आएगा। वो इस थाल को उठाए हुए हैं और भगवान राम लल्ला जी के को प्रसाद और भोग ये। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।